तो, तो व्यक्ति की हथेली में उसकी मस्तिष्क रेखा के नीचे वाली रेखा ही उसकी जीवन रेखा होती है तो यदि व्यक्ति की हथेली में छोटी जीवन रेखा है तो इसका मतलब व्यक्ति की जो उम्र है वो कम होती है और उसी दौरान यदि लंबी जीवन रेखा है तो व्यक्ति की उम्र काफ़ी लंबी होती है लेकिन यदि जीवन रेखा जैसे कि इस प्रकार से जा रही है लेकिन आगे जाकर टूट जाती है और फिर से शुरू हो जाती है तो इसका मतलब ये है कि व्यक्ति के जीवन में कभी ना कभी बड़ी दुर्घटना आती है लेकिन अगर दूसरी ओर एक और अन्य रेखा इसी के साथ साथ चल रही हो तो उससे व्यक्ति का बचाव भी हो जाता है